पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री अताउल्ला तरार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इमरान खान शुरू से ही ड्रग लेने के आदि रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि इमरान खान के आलीशान बंगले बानीगाला तक ड्रग्स कौन पहुंचाता है। इमरान खान इतने बड़े ड्रग्स एडिक्ट हैं कि वे चरस और कोकीन के बिना दो घंटे भी नहीं रह सकते। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपया लूट के खा गए पाकिस्तान, बुशरा गोगी और कप्तान जो है, ये जो करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, ये कैसे कमाया है और क्या कार्रवाई की गई है? मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि यकम तारीख को एंटी करप्शन पंजाब ने एक पर्चा दर्ज किया जिसके तहत दो गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। एक राणा यूसुफ नामी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट और दूसरा मकसूद अहमद। ये मकसूद चपड़ासी हम सुनते थे ना, तो ये मकसूद अहमद एक हमने पकड़ लिया। बताते हैं आपको इसकी तफसील। अभी मकसूद अहमद ये फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेक्रेटरी है और वारदात इंतहाई सादा है। वारदात ये है कि फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैरून मुल्क से आने वाली इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, फरा गोगी साहिबा ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट, 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसकी कीमत मार्केट में 60 करोड़ रुपए है, वो 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट करवाया। ये बड़ी सिंपल सा 60 करोड़ का प्लॉट है, 60 करोड़ का, और वो फरा गोगी और फरा की वालदा का नाम भी बुशरा खान है। फरा गोगी साहिबा, उनकी वालदा बुशरा खान और तीसरा कैरेक्टर एहसन जमील गुज्जर, इन्होंने वो गैर कानूनी तौर पे 60 करोड़ का 10 एकड़ का प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अपने नाम करवा लिया। बता दें कि लाहौर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब प्रांत के गृह मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि इमरान खान को ड्रग्स लेने के आरोप में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, हालांकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। अता ने कहा कि इमरान खान जेल में नशा किए बिना कैसे रह पाएंगे। हम जानते हैं कि उनका आलीशान घर बानीगाला, जो कि सैकड़ों एकड़ के दायरे में फैला है, हम उनकी इस लत के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो जब क्रिकेटर थे उस समय से चरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान जेल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें जेल में कोकीन नहीं देंगे। फिलहाल हम उनके अरबों रुपए के करप्शन की जांच कर रहे हैं। इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम। हालांकि गृह मंत्री अता के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ मिनिस्टर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। मलिक ने भी इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनकी फरार हो चुकी दोस्त फरा खान ने अरबों रुपए का करप्शन किया है। 60 करोड़ रुपए की जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीद ली गई, वो भी उस इलाके में जहां जमीन खरीदी ही नहीं जा सकती। इसकी जांच चल रही है जिसका सच पाकिस्तान की जनता के सामने जल्द आ जाएगा। रहम और सरफराज दे चुके हैं गवाही। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इमरान पर ड्रग्स एडिक्ट होने के आरोप लगे हों। साल 2020 में इमरान के करीबी दोस्त और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने खुलेआम टीवी पर यही आरोप लगाए थे। सरफराज ने टीवी इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 1987 में इमरान दूसरे क्रिकेट खिलाड़ियों संग मेरे घर आए तो वहां उन्होंने कोकीन ली थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले से ड्रग्स लेते आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि बाद में इमरान की दूसरी तलाकशुदा पत्नी रहम ने भी खान को नशे का आदि बताया था। बता दें कि रहम खान इमरान खान की दूसरी पत्नी थी। इमरान से शादी एक साल भी नहीं चली थी। रहम ने अपनी किताब में इमरान को ड्रग एडिक्ट और समलैंगिक बताया था। खास बात यह है कि रहम का तो इमरान कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन टीवी शो में रहम की किताब का जिक्र करने वाले पत्रकारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन सबको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार नई सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी ओर शहबाज शरीफ की सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री पर नए नए आरोप लगा रही है। अब आरोप कितने सच्चे हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय पाकिस्तान की सियासत में आरोपों का दौर जारी है।